आज हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसका एसेसरी जो दांत है इसके बारे में। हम लोग जानते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें कुछ कुछ पार्ट है जो इम्पोर्टेंट है या कुछ कुछ पार्ट है जो पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाता है। इसमें है नंबर वन अ पेयर ऑफ ओवरीज जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी ऑर्गन। उसके बाद होता है फैलोपियन ट्यूब जिसका और एक नाम है ओविडा। थर्ड नंबर में है यूटेरस। फोर्थ नंबर में है सर्विक्स और कर्विक्स और फाइव नंबर में है हैजल। अब ये जो है अगर हम लोग बोल रहे तो जो हम लोग देखते हैं कि ओवरीज जो है ये जो ओवरीज है इसको तो हम लोग कहते हैं प्राइमरी ऑर्गन क्योंकि इसमें क्या होता है इसमें हम लोग देखते हैं कि ओवा या ओवम बनता है। तो ये जो ओवा या ओवम बनता है अब ये तो बनेगा लेकिन इसको तो जाना पड़ेगा ना। अगर नहीं जाएगा अगर स्पर्म के साथ मीट नहीं करेगा अगर फर्टिलाइज नहीं होगा देन इट्स नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल कभी नहीं है कि न्यू ऑर्गेनिजम्स बने। तो इसके लिए कुछ कुछ पार्ट है जो उसको हेल्प करता है जैसे फैलोपियन ट्यूब यूटेरस सर्विक्स और वजाइना। अब ये क्या है इसको हम लोग कहते हैं फीमेल एक्सेसरी डक्ट कहते हैं। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में मतलब ये जो पार्ट है ये जो पार्ट इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। अब ये फैलोपियन जो ट्यूब है ये क्या है ये ओवरी के साथ अटैच है। तो ओवरी का साथ अटैच है तो इसके कारण ये क्या होता है ओवरी में जो ओवा या ओवम बनता है ये रिसीव करता है और रिसीव करके ये ट्रांसफर करता है। ये रिसीव करके ट्रांसफर करता है कहाँ ट्रांसफर करेगा पहले ये जो वजाइना है इसके थ्रू क्या होता है हम लोग का जो स्पर्म है ये एंट्री करता है। अब एंट्री करने के बाद ये आएगा उसके बाद फैलोपियन ट्यूब में आएगा। अब फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद ये फर्टिलाइज जो एग है ये कहाँ आएगा ये आएगा यूटेरस में और यूटेरस में अटैचमेंट होगा। इसमें हम लोग जानते हैं 270 ± 10 डेज उतना दिन रहता है वह क्या होता है ये जो फर्टिलाइज एग रहता है। इसके बाद ये 270 ± 10 दिन में ये एग से फर्टिलाइज एग से हम लोग का क्या होता है जो न्यू बॉर्न बेबी है वो पूरा डेवलप होता है उसके बाद वो न्यू बॉर्न बेबी होता है। तो ये जो हम लोग बोले कि ये फर्टिलाइज एग मतलब जायगोट जायगोट से एम्ब्रायो एम्ब्रायो से फीटस फीटस होने के बाद वो बॉडी से उसके बाद क्या होता है रिलीज होता है मतलब वो बाहर में बाहर आता है मतलब ये जो पूरा चाइल्ड बेबी है वो होता है। अब अगर हम लोग देखें कि ये फैलोपियन ट्यूब जो है इसका तीन पार्ट है क्या क्या अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है इनफेंडिबुलम है इसके बाद है एम्प्यूला है और इस्थेमस है। तो ये तीन पार्ट देखिए ये जो पूरा फैलोपियन ट्यूब को हम लोग तीन वो पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तीन पार्ट देखिए हम लोग का क्या है फैलोपियन ट्यूब है। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं इसका ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसको ओवी डक्ट भी कहते हैं। डक्ट मतलब होता है नली तो ओवी डक्ट मतलब ये ओवम जो है तो ओवा को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये क्या करता है एग्जिस्टिंग पेयर में रहता है मतलब क्या है इधर एक हम लोग देखते हैं ओवर ये इधर एक ओवर ये तो इसके साथ एक जुड़ा हुआ है फैलोपियन ट्यूब इसके साथ एक तो टोटल कितना फैलोपियन ट्यूब हुआ दो हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द ओवरी एंड एक्सटेंड अप टू यूटेरस क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ से स्टार्ट होके यूटेरस तक खत्म है तो अप टू यूटेरस मतलब यहाँ से यहाँ तक ये दोनों का बीच में वो जो नली बनाता है और वो नली के थ्रू क्या होता है जो फर्टिलाइज एग है वो जाता है। अब ये अगर हम लोग उसके बाद देखें इसका और क्या बोले कि रिसीव्स ओवम फ्रॉम ओवरी जैसे हम लोग अभी थोड़ा पहले ही बोले कि ये क्या करते हैं यहाँ से रिसीव करेगा रिसीव करने के बाद ट्रांसफर करेगा और फर्टिलाइज हो गई है उसके बाद ट्रांसफर करेगा नेस्टमेंट होगा। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे इसका पार्ट अगर बोलेंगे तो इनफेंडिबुलम क्या है फैनल शेप पार्ट ये कैसा पार्ट है फैनल का जैसा है तो फैनल शेप पार्ट ये वाला पार्ट जो फैनल का जैसा है ये फैनल शेप पार्ट ये इसको क्या है पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब।
और क्लोजर टू द ओवर, ये किसका सामने रहेगा? अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखेंगे कि ओवरी का सामने रहेगा। और ये क्या होता है? पोजीशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये इसका नाम है फिम्ब्री। और ये जो फिम्ब्री है वो दुनिया जो फिंगर फिंगर जैसा ऐसे 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 हम देखेंगे फिम्ब्री, ऐसे 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 देखेंगे। इसका क्या काम है? फिम्ब्री का काम है रिसीव करता है ओवम, ओवम को रिसीव करता है। कहां से रिसीव करेगा? ओवर से, सॉरी ओवरी से रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद ये क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। तो इसका मतलब जो इनफेंट्री लंग्स है, इसका जो फंक्शन है, इसमें हम लोग देखते हैं इसमें रहता है फिम्ब्री, और ये क्या करता है? ओवा को या ओवम को रिसीव करता है। कहाँ से रिसीव करता है? ओवर से। उसके बाद वाला जो पार्ट है वो पार्ट का नाम है एम्प्यूला। एम्प्यूला होता है सेकेंड पोर्शन और फैलोपियन ट्यूब का। तो ये सेकंड पोर्शन जो है यहाँ क्या होता है? जायगोट फॉर्मेशंस होता है। मतलब यहाँ जो स्पर्म था वो स्पर्म आएगा, फिर यहाँ जायगोट फॉर्मेशंस होगा। मतलब जो ओवा है और जो स्पर्म है वो दोनों का यहाँ जायगोट फॉर्मेशंस होगा। इसका यही फंक्शन है। फिर स्टेमस, स्टेमस का क्या है? ये लास्ट पोर्शन है फैलोपियन ट्यूब का, नैरोअर है। अगर हम लोग देखते हैं तो ये नैरोअर है, ये वाला नैरोअर पोर्शन से, तो ये लास्ट पार्ट है। और ये क्या करेगा? ये जो हम लोग देखे अभी जो जायगोट बनाया, ये जायगोट को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये नैरोअर पार्ट ऑफ द ट्यूब क्लोजर टू यूटेरस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये पोर्शन यूटेरस है, तो ये यूटेरस है मतलब इसके सामने है, तो इसीलिए हम लोग उसको कहेंगे क्लोजर टू द यूटेरस। तो तीन वो पार्ट बोले, इनफेंडिबुलम और उसके बाद एम्प्यूला और इसके बाद स्टेमस। ये कहाँ रहेगा? ये ओवरी का सामने रहेगा। एम्प्यूला कहाँ रहेगा? ये मिडिल पोर्शन में रहेगा। स्टेमस कहाँ रहेगा? ये लास्ट पोर्शन में जो हम लोग देखते हैं यूटेरस के क्लोजर में रहेगा। और ये जो हम लोग देखे कि इनफेंडिबुलम जो है, तो ये इनफेंडिबुलम में हम लोग देखेंगे फिम्ब्री रहेगा, और फिम्ब्री का काम है वो जो गैमेट है उसको रिसीव करना ओवरी से। तो ये जो स्ट्रक्चर है या फंक्शन से इसका फैलोपियन ट्यूब का। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट डे दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कॉमेंट्स ऑफ माई यूट्यूब चैनल।